अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे चैनल पे जो नए लोग हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, मैंने कहा चले मैं अभी ये फ्रूट्स वगैरह मंगवाए थे, तो मैंने कहा चलिए जी आप लोगों से भी पूछते हैं कि आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है और कौन सा फ्रूट आप खुशी से खाते हैं जो कि आपको बहुत पसंद हो। मुझे तो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पसंद है चेरी, और चेरी के अलावा मुझे पसंद है मैंगोज़। तो मैंने कहा चलें, ये अभी फ्रूट मैंने मंगवाया था तो मैंने कहा चलें अभी इसको हम वॉश वगैरह करके रखते हैं। ये चेरी थी, चेरी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इसको मैंने फ्रिज में रखा हुआ था चेरी का डिब्बा, तो मैंने कहा चलें इसको अच्छे से वॉश करके हम रख लेते हैं। और इधर है लोकार्ट, तो लोकार्ट को अभी हमने अच्छे से वॉश करना है। ये जो ख़राब इसके अंदर पीसीज होंगे ना, इसको हम साइड पे कर लेंगे और इसको हम अच्छे से साफ़ करके तो फिर इसको हम स्टोर करेंगे फ्रिज में, ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद खाएंगे अफ्तारी के टाइम। तो आप लोग सुनाएं आप लोगों का रमज़ान कैसा गुज़रा, और रमज़ान अभी ख़त्म हो गया है, जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ ख़त्म हो गया और कल ईद है और सबको एडवांस ईद मुबारक। तो सभी के कपड़े शपड़े रेडी हो गए होंगे। और इधर ये मैंने मंगवाया था सरदा, तो सरदा बोलते हैं इसको, गर्मा बोलते हैं, क्या बोलते हैं तो ये मैंने दो मंगवाए थे, ये बिल्कुल दरमियाने साइज़ के मिले हैं, पता नहीं क्यों बाज़ार से मिले ये इतने इतने से थे। तो मैंने कहा चलें फ़िलहाल जिस तरह के मिल रहे हैं, वो कह रहे थे ये वैसे ये बहुत मीठे हैं, तो चले इसको फ़िलहाल हम अभी ये शॉपर के ऊपर ही रख देते हैं और इसको भी हम अच्छे से वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद अच्छे से काट के तो फिर रखेंगे। तो बाकी ईद की तैयारी किस किस की मुकम्मल हो गई है और किस किस की तैयारी रहती है ईद की होने वाली। और ये देखें चेरी का कितना खूबसूरत चेरी का कलर है, और गर्मियों में मुझे चेरी बहुत पसंद है। इसके अलावा मेरे पास रॉ मैंगोज़ भी हैं, कच्चे आम हैं, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, वो इधर मैंने वॉश करके रखे थे, तो मैंने कहा चले उसकी भी साथ में हम बनाएंगे चटनी। इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था, अभी फ़िलहाल इसी तरह के आ रहे हैं, इनको वैसे मैंने वॉश किया था अच्छे से, तो चले इनको इधर ही इसमें एक साइड पे हम रख देते हैं। और इसकी मैं बनाऊंगी शाम में चटनी, और आम की, कच्चे आम की चटनी बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए जी, आप लोगों में से किस किस की ईद की तैयारी मुकम्मल हो गई है और किस किस की ईद की तैयारी कंप्लीट होने वाली रहती है, बल्कि आज तो सभी की ईद की तैयारी जो है वो कंप्लीट हो गई होगी, और कल माशाल्लाह खैर खैरियत से ईद है और सबको 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 मेरी तरफ से दोबारा एडवांस ईद मुबारक। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। मुझे तो वैसे सारे फ्रूट्स पसंद हैं, लेकिन क्या कहते हैं ये जो है, क्या मैं कहने लगी थी, हाँ अमरूद मैं बहुत कम खाती हूँ, हाँ अमरूद बहुत कम खाती हूँ, बाकी चेरी मेरी फेवरेट है। लोकार्ड भी बहुत मज़े की है, ये देखने में तो बहुत मज़े की लग रही है, अभी मैंने चेक नहीं की। तो अभी हम इनको करेंगे अच्छे से वॉश, और वॉश करने के बाद इसको हम रखेंगे फ्रिज में और शाम को खाएँगे अफ्तारी के टाइम। तो बाकी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग भी कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कौन सा फ्रूट आपको ज़्यादा पसंद है। मुझे तो सारी सब्ज़ियाँ पसंद है, लेकिन आजकल बस मैं वो नहीं खा रही, कहते हैं करेले नहीं खा रही, टिंडे नहीं खा रही, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी सब्जियां भी खा लेती हूँ, सारे फ्रूट्स भी खा लेती हूँ मैं। तो चलिए जी इंशाल्लाह नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ और अच्छे से व्लॉग के साथ आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।